सोशल मीडिया का भी बार बार उत्तर प्रदेश के भी डीजी और आसपास के क्षेत्रों के भी बोल रहे हैं। कंट्रोल रूम ही पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, डायल 100 वहां पर खुद वो पहुंचे थे देखने के लिए कि किस तरह से अगर किसी तरह की कोई कहीं से कमी ना रह जाए। ये कल से भी देख रहे हैं बार बार, ये मॉनिटरिंग खुद रख रहे हैं सीएम की, क्योंकि आप कंट्रोल पहले आप जो है सुरक्षा के जो इंतजाम करते हैं आपको लगता है कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जो आप बता रही हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो कहीं से कुछ ऐसी खबरें निकलती हैं फिर ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लगती है। ऐसे ना श्वेता, शरारती तत्व ये काम करते हैं, चाहे कितना भी हम कह लें, हम कोशिश करते हैं हम अच्छा बोलने की, किसी से जोड़ कर मतलब मौलवी साहब अच्छी बात करेंगे ना किसी राजनीतिक पार्टी से, बिल्कुल शरारती तत्व होते हैं अलग से निकल कर आते हैं, पर्सनल उनकी रंजिश या सोच या इस तरह का, ये सोच की बात होती है, कईयों की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि कुछ ड्रामा क्रिएट करना है, कुछ मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट करना है, तो ये सारी चीजें उनकी सुरक्षा उनको सोच कर ध्यान में रखते हुए कि कोई ना कोई इस तरह से हो सकता है, हर एक की सोच अलग है तो आप 100% भी नहीं कह सकते, तो ये सारी बातें उस बातों को ध्यान में रखते हुए। कल रात को भी मैं एक चैनल देख रही थी, उसमें योगी जी खुद सारे जितने भी सोशल मीडिया के लोग थे उनको बुलाकर डिक्टेट कर रहे थे कि ये बातों का हमें ध्यान करना है, और डीजी भी साथ में बैठे हुए थे, तो ये मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और ज़रूरी है सुरक्षा की दृष्टि से। ए के मिश्रा जी, खुद योगी आदित्यनाथ जिस तरह से नज़र बनाए हुए हैं, हमने एक तस्वीर देखी थी, फैसला तो आज चलिए सुनाया जाएगा, लेकिन इसके पहले सपा प्रमुख से भी जाकर मिले थे, कल्याण सिंह से भी मुलाकात की थी, और वो मुलाकात, मैंने ये सवाल भी पूछा था, मुलाकात बहुत कुछ कहती है, हालांकि मीडिया में खबर थी कि स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए पहुंचे, लेकिन केवल स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए ये मीटिंग्स नहीं होती है, कई बार कुछ संदेश भी देते हैं ये मीटिंग्स, आप क्या कहेंगे? जरूर, आपकी बात एकदम सही है, और देखिए एक मामले में आज का दिन बड़ा खुशी वाला दिन है जो मैं देख रहा हूँ, अगर पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टन जाके देखें कि जो कॉन्सेप्ट भाईचारा का, मानवता का, हजारों साल के इतिहास में हमारे शास्त्रों में हमारी संस्कृति में रचा बसा है, वो शायद आज पहली बार देखने को मिल रहा है। ये पहले भी होना चाहिए था, आज हो रहा है, और मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि इसी तरीके का भाईचारा जितने ये बड़े बड़े चेहरे हैं आगे भी दिखाएं, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा कि आज के पहले या 15 दिन एक महीने के पहले इस तरीके का भाईचारा, इस तरीके की अपील, एक दूसरे से मिलना जुलना क्यों नहीं होता था? अगर हो रहा होता तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। ये मामला भी बहुत छोटा सा है, 3 लोगों के बीच, लेकिन जनता के बीच जब जाइए ना एके मिश्रा जी, तो हो रहा था, हमने छठ में ऐसे कई कवरेज किए, जनता को तो छठ में जो चूल्हा बनता है वो मुस्लिम समुदाय के लोग बनाते हैं, मास देखिए जनता को कहीं प्रॉब्लम नहीं है, मास पब्लिक को मैंने हमेशा अलग रखा है, जितनी डिबेट हुई है मैं चुनिंदा लोगों के लिए बोल रहा हूँ, नाम किसी का नहीं लूंगा, पर अगर नकेल कस ली जाए ना तो वाकई में आज कसी गई है ना, आज नकेल भी नहीं कसी गई है, आज सब लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन का एग्जांपल दिया है, किसी के ऊपर कोई नकेल नहीं है, शायद आस्था जुड़ा हुआ है। यहाँ संजय गुप्ता जी अगर बैठे हैं तो उनके भी आस्था का सवाल है, वो भी चाहते हैं कि अगर रामलला का जन्म वहां हुआ है तो मंदिर बनना चाहिए, लेकिन कोर्ट के फैसले का सामान, अब ये कोर्ट देखे कि एंगल क्या है, फैसला जो आएगा वो हमें मतलब मान्य होगा, लेकिन दिली इच्छा तो हर किसी की होती है कि भाई कोर्ट के फैसले का, मैम आप देखिए कब सम्मान नहीं हुआ, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, अच्छा उसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में ये चला गया, मामला पेंडिंग हो गया, तो जब से ये कोर्ट पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने दाखिल किया होगा तब से वेट कर रहे हैं, धीरज रखे हैं, तो ये हाई कोर्ट के फैसले का तो सम्मान था ना, 100 करोड़ की जनता ने जो किया। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, भारत देश की संस्कृति में जो आदमी पल्लवित हुआ है, चाहे वो 10 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, 80 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, जितने भी लोग हैं, जिनके मन में जरा सा भी ये होगा कि मैं इस देश की संस्कृति का रखवाला हूं, वो हमेशा धैर्यवान रहे हैं, अदरवाइज 500 साल नहीं लगते। विष्णु विनोदम जी इसमें भी, जिस पर मैंने आपत्ति दर्ज कराई, विष्णु विनोदम जी आप कह रहे हैं 9 मिलियन, मैंने डेट भी करेक्ट किया था। देखिए ये एक वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी की डेट मानी जाती है 9/11, और थोड़ा संदेह लगता है कि एकदम से 9 पेश कर देंगे, हम विश्व गुरु बनने की अगर बात कहते हैं कि हम अग्रसर है उस ओर, तो भारत से पहल क्यों नहीं 9/11 में हम एक नजीर पेश करें कि एक वो 9/11 था और एक ये 9/11। बहुत सुंदर श्वेता, बहुत बढ़िया बात, बहुत बड़ी अच्छी है, हम नेगेटिव
नेगेटिव आपत्ति सिर्फ इसमें हुई, आपने तुरंत ये बात कही कि आशंका है ना, मैंने आशंका है ये शिलान्यास हुआ था सर, होइए वही जो राम रचि राखा, तो आज 9/11 से शायद ये संदेश हम पूरे विश्व को दे, ये देखो ये वो भारत है जहां मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो ये बोलिए ना सर, ये बोलिए, 9/11 को नेगेटिव में ले रहे हैं सर, आज हम नजीर पेश करेंगे, ये बोलिए कि हम यहां बैठ के नजीर पेश, आपको लग रहा है मैं नेगेटिव में ले रहा हूँ, लेकिन 9/11 पे ला करके इस डेट को रख दिया गया, 9/11 को बदल देंगे, बहुत सुंदर, और डेफिनेट ये बदलना भी चाहिए, देखिए श्वेता आज का इतिहास लिखेगा, आज जो भारत इतिहास लिखेगा ये गूगल पे जब सर्च मारेंगे ना सर, तो 9/11 सबसे पहले ये आना चाहिए कि आज अयोध्या के लिए जो फैसला सुनाया गया था उस पे एक नजीर भारत ने पेश की थी, वो नेगेटिव जो बनी हुई थी 9/11 की एक इमेज, कोई हादसा हो जाएगी उसे रोक नहीं सकते, लेकिन कहते हैं ना ये तो विष्णु विनोदम जी मानेंगे कि घर में अगर मृत्यु जाती है तो हम उस डेट को हम उस दिन को, कई बार ये हिंदू मान्यता है कि वो दिन मानते हैं कि अगर आपके पिताजी या माताजी को आपने खोया है तो उस दिन के दिन शुभ कार्य नहीं करते, लेकिन उसी दिन अगर जन्म हो जाए किसी का, बिल्कुल जी, जी, जी. तो सर आज तो हमारे पास उम्मीद जगाई ना, उम्मीद पे दुनिया उनका जन्म भी आज ही हुआ है, हालांकि मैं उनको फेवर नहीं करता हूँ, देखिए दोनों घटनाएं हुई हैं, इकबाल का ये शेर पढ़ रही थी मैडम, हिंदी है हम वतन हमारा हिंदुस्तान, मैं तो क्लियरली बोलता हूँ मैं उनको फेवर नहीं करता हूँ, हमारे पास बड़े संस्कृत के श्लोक हैं, और देखिए गुरुजी ने जो अभी बोला चाहिए कि मिश्रा जी मतभेद तो नहीं है ना, नहीं 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 मतभेद होने चाहिए, नहीं नहीं लोकतंत्र में है मतभेद, अरे मनभेद तो हमारा कभी की हमने तो आपको पसंद हमने नहीं है, तो अरे मैडम हमने तो ऐसे ऐसे शत्रुओं को सीने से लगाया है, पसंद नहीं होता, हमने तो ऐसे ऐसे शत्रुओं को सीने से लगाया है, हमारा होता है कि नहीं, हमारा हमारा हमारे यहाँ लड़ाइयाँ आती थी, मतभेद होता था, मतभेद नहीं होता था, आज आज मित्रता की बात कीजिए, आज शत्रुता का शब्द इस्तेमाल नहीं, मैं वही बता रहा था, इस्तेमाल ही ना करें, कंटिन्यू कर लीजिए शब्द जो है आज यहाँ दफन कर दो, 9/11 का बहुत सारी बुरी घटनाएं हुई है, हमें अच्छी चीजों को देखना है, अल्बर्ट आइंस्टीन को आज ही के दिन नोबेल पुरस्कार भी मिला था, हमारे इंडियन इतिहास में बहुत सारी पॉजिटिव घटनाएं हैं, और हम भारतीय जो है ना उस हंस की तरह होते हैं, पानी में मिले दूध को यानी अच्छाई को ले लेते हैं, तो बुराई को लानत भेजिए उसको पीछे छोड़िए, देखिए यहाँ पर श्लोक आप अपना है ना जो आपने अभी बोला, राम ने जो चाहा वही होगा, आज वो होगा जो अपने वाला चाहेगा, राम भगवान चाहते हो कि हमने आपको बोला 9/11 10,000 साल ईसा से 1,000 साल पहले से अपनाते आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने पहले भी अपनाया आज भी अपना रहे हैं, आज वो देखिए नहीं नहीं नेगेटिव बात बनी हुई थी, नहीं अरे हम तो अपना रहे, सबसे पहले मैंने ही बोला ना, आपने तो नहीं बोला ना, आप ही की बात को बढ़ा रही हूं मेरे, मैं तो अपना रहा हूं, की बात को बढ़ा, मैं तो अपना रहा हूं, लेकिन अब उसको डिबेट मूड में मत ले जाइए, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे वो हैं, मैं आप ही की बात को सम्मान देते हुए राम जो ये कह रही हूं क्या उन्हीं की उन्हीं सोच के साथ और मैंने तो गारंटी दी थी श्वेता मैम से पूछिए, कल भी मैंने बोला था जो आदमी भारत में ये सोचता है कि मैं भारतीय हूं यहाँ की संस्कृति मेरे रग रग में बसी है 101% गारंटी मैं लेता हूँ वो शांति प्रिय थे हैं और रहेंगे, बिल्कुल ठीक, फैसला ये है या इससे भी कोई बहुत क्रिटिकल फैसले हुए हैं, हमने तब भी आज हम संयम दिखाएंगे, आज हम नजीर पेश करेंगे के मिश्रा जी, और ये पूरा विश्व देखेगा कि भारत ने आज कैसे आपसी सौहार्द को बनाए रखा, और इतने बड़े फैसले को बहुत आराम से सुनेंगे, हम यहीं बैठकर सुनेंगे, आराम से सुनेंगे, उस पर डिस्कस भी करेंगे, उस पर बातचीत भी करेंगे, मैंने कहा मतभेद हो सकते हैं, हमारा स्टैंड अलग हो सकता है, मनभेद कभी नहीं होगा, एक फैमिली में भी अपने माता पिता से अपने भाई बहनों से हमारे मतभेद होते हैं, हम लड़ाई भी करते हैं, हम झगड़ा भी करते हैं, कभी कभी पर भी मार देते हैं, लेकिन फैमिली एकजुट होती है सर, ये पांचों उंगली एकजुट होनी चाहिए तभी एकता दिखेगी, विष्णु विनोदम जी हालांकि उस शब्द पर मुझे आपत्ति थी, लेकिन आप अपने पॉइंट को क्लियर करना चाह रहे थे, कंटिन्यू, देखिए ऐसा है कि हमारी जो संस्कृति है सनातन है वासुदेव कुटुंबकम पे है, तो फैसला इस तरीके से आना चाहिए कि किसी को आपत्ति ना हो, और जो भी फैसला आए वो सभी को स्वीकार हो,
9/11 थोड़ा सा डेट से लगता है कि ऐसा एकदम सटन है, बाकी खत्म ही करें तो बेहतर होगा। 9 नवंबर 1948 को जूनागढ़ रियासत, इतनी खुशखबरी वाली बात सुन लीजिए, भारतीय उसमें शामिल हो गए। ये भी बहुत शुभकामना, बिल्कुल बहुत शुभकामना। सहमत हूँ, प्रकृति रही है ये हमारी प्रकृति, तो इतिहास बदला है। देखिए नेगेटिव चीजें और मीडिया को लेकर तो आलोचना होती रही है, तो इसलिए ये इन चीजों से हम जूझते रहे। हमें बाहर भी बोल दिया जाता है, अरे यार तुम लोग बहुत नेगेटिव दिखाते हो। भाई आप नेगेटिव देखना ही चाहते हैं, आप उन खबरों को, अगर आप एक बताइए कि भाई शांति पुरस्कार फलना को मिला है फलना फलना काम के लिए, तो कोई सुना आया गया उनको शायद ही कोई पहचानते हो, लेकिन एक विलन का रोल करने वाले फिल्म में लोग उसको पहचानते हैं, पता ही है ऐसा रोल करता है। मतलब नेगेटिव चीजें ना हमारे दिमाग पर ज्यादा प्रभाव डालती हैं, इसीलिए 9/11 की घटना हम जिक्र कर रहे हैं। आशंका ना रखे सर, आशंका सिर्फ नहीं होनी चाहिए, आज हम 9/11 के इस डेट को वॉश जो कह रही थी खत्म कर देंगे, आज नजीर पेश करेगा भारत। फैसला देखिए बिल्कुल आज के दिन उद्घाटन है ये शुभ लक्षण सुबह से ही आ रहा है, शनिवार का दिन, शनिवार का दिन। मतलब आप सोचिए कि राम राम के लिए ये जो फैसला आना है शनिवार के दिन, किस दिन? अब विष्णु विनोदम जी इसको आप इसकी व्याख्या ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे कि आज वही हनुमान शायद कुछ कहते हैं ना कि कई बार जब आप पाठ कर रहे होते हैं, रामायण का पाठ हो रहा होता है तो हनुमान मक्खी के रूप में भी आते हैं लेकिन वहां मौजूद होते हैं, तो आज शायद वही हनुमान मौजूद रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आ रहा होगा। कि आप जो बोल रहे हैं आपकी वाणी में सरस्वती बैठी हो, अरे और जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल देश के हालात कुछ नहीं है सर। अगर ये जनता चाह लेती है ना तो देखिए बड़े बड़े सरकार गिले हैं। जनता चाह लेगी ना कि आप हमें लड़ा नहीं सकते। मैंने बोला आप, ये हमारी बात हो रही थी रेनू भाटिया से, आज मुझे तैयार किया एक हिंदू भाई ने एक मुस्लिम भाई ने, फैसला आना था, बोला मैम आप इतनी जल्दी कैसे, मैंने बोला 10:30 बजे पता है फैसला आना है, और तैयार कर रहे थे वो कि मैम आज आप अच्छी लगनी चाहिए। तो ये देखिए इससे बड़ा सौहार्द क्या देखिएगा सर, एक मुस्लिम और एक हिंदू भाई मुझे तैयार कर रहा है, इससे बड़ा सौहार्द आप क्या देखिएगा? हमारे बीच में नहीं है सर। हम बस हाथ जोड़ के विनती करते हैं उन राजनीतिक दलों से, उन धर्मगुरुओं से जो कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं जो ना उत्तेजना भड़काती है, और यहीं पे जब राइट्स होते हैं तो उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा होता, उस समय उसके बाद हम सोचते हैं हमने क्या कर डाला, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन ले लिए जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, यही हम अपील बार बार कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है गुरुजी ने तो अपनी तरफ से एक डेट बोली, लेकिन आप ही की ये बात सुनने के बाद जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होंगे ना वो इस बात को और बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग इस बात को पॉजिटिव लें। आज हमने हिंदुस्तान ने इतिहास रचा है, नया इतिहास रचा है, हमारे आने वाली पीढ़ियां जब हिस्ट्री पढ़ेंगी तो ये दिन ये करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन और एक तरफ राम लल्ला और एक तरफ राम लल्ला को लेकर फैसला आया, तो ये हाईकोर्ट ने जिस तरीके का फैसला दिया था उस पर भरोसा नहीं था, मुझे लगता है कि वो वाला 9/11 इसके आगे कुछ नहीं है, बिल्कुल तुच्छ है। मैं बहुत देर से सुन रही हूँ आप सबको श्वेता और रेणु जी और बाकी धर्म गुरुओं को भी, और मुझे ये लग रहा है कि बीइंग एन एडवोकेट मुझे थोड़ा सा इन सब चीजों से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब कुछ कहते हैं तो वो एक ऐसा लैंडमार्क हो जाता है जैसे लोगों को लगता है कि यही होना चाहिए, पर मैं सुनकर अब ये सोच रही हूँ कि हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं और एक लाइन दोहराई जा रही है, हुई है वही जो राम रचि राखा। तो जब राम पर हमें इतना भरोसा है और हमें मालूम है कि कण कण में राम है और जो कुछ भी होता है उनके आदेश पे होता है, तो फिर इतने सारे प्रश्न चिन्ह लगाने ही नहीं चाहिए। दिन का शुभ और अशुभ होना भी अगर तय है तो उनकी मर्जी पे ही तय है, सारे फैसले उन्हीं पे है, तो फिर हम लोगों को इतना इतना चिंतित नहीं होना चाहिए और हर चीज को वेलकम करना चाहिए। मुझे लगता है होने वाले फैसले को हमें वेलकम करना चाहिए, बिल्कुल राम जी के आदेश को मानते हुए। राम रच रखा ये क्लियर, अब राम ने रच रखा है, उदाहरण मैंने सबसे पहले ये दिया, उदाहरण अपने आप में सारे तर्कों को खत्म कर देता है की शंका है जो इतनी अपील हो रही है। बड़ी खबर आ रही है कि कुछ ही देर में जब फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा, 10:27 हो रहा है, कोर्ट नंबर एक में फैसला जो है सुनाना है, 5 जज जो है पहुंच चुके हैं और सीजीआई की अध्यक्षता में 5 जजों की जो बेंच है वो फैसला सुनाने जा रही है। सबकी दिल की धड़कनें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है और सबको ये उम्मीद है
है कि फैसला उनके ही पक्ष में आएगा। हर समुदाय को, हर पक्षकार को ये उम्मीद है, क्योंकि 40 दिन की जो सुनवाई चली है उसमें आपने अपनी बातें कह दी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों को, फैक्ट्स, फिगर्स और साथ ही साथ भावनाओं का भी ख्याल रखा है, क्योंकि फैसला जो है इस पर, कहते ना कई वर्षों से, 500 साल से ऊपर अगर बात करें तो ये जो है रामलला का मुद्दा जो है ये कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है। सब चाहते हैं राम मंदिर बने। यहाँ खुद अब्दुल अजीज खान है, वो कह रहे हैं, अयोध्या में हमने कई मुसलमान भाइयों से बात किया, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं है, समझिए, यहाँ ये टाइटल सूट का मुद्दा है। और आज सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर फैसला सुनाने वाली है। बस 10:28 हो चुके हैं, 10:30 पर कोर्ट नंबर 1 में जो है वो 5 जज बैठेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। जो फैसला है, जो लिखा गया है, 40 दिन की सुनवाई के बाद वक्त लिया सीजीआई ने कि हमें भी तमाम चीजों को ध्यान में रखना होगा, जहन को। इकबाल अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। देखिए अयोध्या, ये फैसला जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जो है चला गया है। चंद मिनट बाकी है, कोर्ट अपना फैसला देगा। हम ये दोहे पूरी दुनिया को यही संदेश देते हैं कि जो कोर्ट फैसला करेगा उसका हम सम्मान करेंगे, क्योंकि अयोध्या धर्म की नगरी है। जो संदेश यहाँ से जाएगा वही बेहतर होगा। हम तो चाहे जो है साधु संत हो, वही एक ही संदेश जा रहा है, गृहस्थ हो वो भी संदेश दे रहा है, अधिकारी हो वो भी संदेश दे रहा है। लोग यही चाहते हैं जो अयोध्या में बिल्कुल अमन और सुकून के साथ में लोग इस फैसले को माने, कोई ऐसा वाद विवाद ना करें कि जिससे अयोध्या का या पूरे देश का कोई माहौल में कोई फर्क आए। हमें चाहते हैं कि अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या में अगर सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, तो शीश अलैहि सलाम शीश पैगंबर की मजार भी है। अयोध्या से कि बीचों बीच में जो भी संदेश जाएगा वो बेहतर ही जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से जो है शांति है तो पूरे देश में शांति रहती है, क्योंकि ये धर्म की नगरी है। यहाँ से हम संदेश दे रहे हैं, अपने कौम को दे रहे हैं, सारे लोगों को दे रहे हैं, साधुओं के बीच में दे रहे हैं कि जो भी फैसला कोर्ट करेगा हम उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि ये देश के लिए जो है एक बहुत अहम फैसला जो देश को करना है। हमें चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ये फैसला बहुत अहम है, फैसला ऐसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया जाने, दुनिया इस तरीके से जाने कि अयोध्या के चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, यहाँ का संदेश जो जा रहा है वही बेहतर है। इसी तरीके से आप भी अमल करें, ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे देश में कोई जो है अशांति का माहौल बनाए। कोई आदमी ऐसी बात ना करे, क्योंकि अयोध्या से जो संदेश जाएगा वो पूरी दुनिया जानेगी। जाएगा वो पूरी दुनिया जानेगी। और हम ये बार बार कह भी रहे हैं कि पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं कि भारत में आज जो ये अहम फैसला आएगा उस पर लोगों का रिएक्शन क्या होता है। तो आज सभी जो है वो हम दिखाएंगे कि हम धर्म से ऊपर उठकर पहले भारतीय हैं और हमारा देश सर्वोपरि है। अब्दुल अजीज जी, जिस तरीके से अभी इकबाल अंसारी कह रहे थे, और जब भी बात उठ रही है मंदिर बनने की, तो मामला तो मंदिर बनने का है नहीं सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, नहीं। मंदिर बनाने से किसने रोका है ये भी है। तो किसी ने आज तक रोका ही नहीं मंदिर के। देखिए, मंदिर हो या मस्जिद हो, किसी भी धर्म का कोई भी मामला हो, धर्म कोई भी धर्म किसी का हो, उसका सम्मान करना चाहिए। और ये एक बहुत खास बात मैं आपको बताऊं, ये तो मंदिर और मस्जिद का ये तो झगड़ा ये कामे खां का बना रखा। आवाम ने कभी नहीं चाहा जो कोई झगड़ा हो या मंदिर बनाने के लिए। हर इंसान हमारे देश का खुश है, मंदिर के लिए कोई इनकार नहीं। लेकिन ये इसमें जो राजनीति और कुछ चंद धर्म गुरुओं ने जो इसके अंदर बीज बोया है और उल्टे सीधे जो अपनी जुबानों से बयान दिए हैं, ये मामला वो है नहीं। हमारे देश के अंदर आज ऐसा माहौल बना हुआ है जो जैसे कोई ईद मिलन है या दिवाली होली मिलन है, आज जो है ये पूरा देश मिलन होने जा रहा है। और हमें अपने देश पे, सभी भाइयों पे कुछ यकीन ऐसा आ रहा है जो कि जो भी माहौल बनेगा अच्छा ही होगा। जज भी अपील कर रहे हैं, सभी जजों ने अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी सेंसिटिव इशू पर आज जजों के ऊपर कितना प्रेशर होगा कि वो फैसला तो लिखा जा चुका है। दीप्ति जी, प्रेशर ऐसे में कैसा, मतलब हालांकि फैसले को लेकर आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन प्रेशर तो बता ही सकती हैं कि
कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। जैसे हमें भी कहा जाता है कि हम अपने इमोशंस नहीं डाल सकते, बीइंग एन एंकर आपको वो रोल निभाना है, चाहे खबर बुरी आए चाहे खबर अच्छी आए आपको उसी तरीके से लेना है। वैसे ही जजों के ऊपर भी तो प्रेशर रहता होगा, सेम रहता है श्वेता। जैसे अभी हम स्टूडियो में बैठे और हम सब अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं, ये होगा वो होगा, इस तरीके का कयास तो वहां नहीं है, उनको पता है कि क्या कर चुके हैं, लेकिन वहां भी एक ऐसा प्रेशर वाला माहौल रहता है जैसे सामने क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि आज तो ये फैसला आ जाएगा लेकिन उसके बाद आने वाले रिएक्शन बहुत समय तक रहने वाला है, तो इसके इसका प्रेशर तो रहता है, सबके ऊपर रहता है और जजेस के ऊपर भी बराबर तौर पे रहता है। पूरी 130 करोड़ की जनता जनता आज पूरी जनता बैठे और बात उसमें धर्म की हो और धर्म संकट में आ जाते हैं, जज भी धर्म संकट में रहे होंगे फैसला लिखते वक्त, रातों की नींद कई बार मैं कह भी रही थी डिबेट में बैठने से पहले ये डिस्कस भी कर रही थी कि कल रात में मुझे भी यही गीत याद आ रही थी कि सुना है तेरी महफिल में रत जगा है और रात भर नींद नहीं आएगी। तो फैसला जो है पढ़ा जा रहा है, 10:33 हो चुके हैं, जजों ने कोर्ट रूम में शांति बनाए रखने की अपील की है और अब शिया बोर्ड की याचिका खारिज कर दी गई है और साथ ही साथ अब फैसला जो है वो जजेस पढ़ रहे हैं। जजों ने कोर्ट रूम में शांति बनाए रखने की अपील की है, न सिर्फ कोर्ट रूम में बल्कि बार बार अपील की जा रही है तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी, तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी कि आप शांति बनाए रखें। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है क्योंकि संविधान पीठ है, 5 जजेस हैं इस पैनल में, तो सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। सभी ने पहले अपनी अपनी राइटिंग्स दी होंगी, ऐसा ही होता है जी, जी। अगर हम बताना चाहें अपनी जनता को, क्योंकि वो नहीं समझते कोर्ट के प्रोसीडिंग, 5 जजों ने अपने अपने तरीके से लिखा होगा जी, जैसे 5 जजेस आपको यहाँ सामने दिख रहे हैं लेकिन उन 5 जजेस के पीछे जो उनके फैसले के पहले कई ऐसे मुद्दों को पढ़ना और कई जो डॉक्यूमेंट्स थे, लाखों करोड़ों के पेजेस हैं जिनको पढ़ने के काम कई जूनियर्स कई एसोसिएट्स करते हैं, इनका अपना एक तरीके से कहें तो एक ग्रुप होता है जो पढ़कर जजेस के लिए टिप्पणी बनाते हैं और उसके आधार पर आगे जाकर कोई फैसला सुनाया जाता है। तो ये 5 जजेस नहीं है, इनके पीछे 500 और लॉयर्स हैं जिन्होंने इसको पढ़ने का काम किया है और इसके साथ कई और भी हमारे समाज के और हमारे धर्म के गुरुओं की भी कई ऐसी बातों को भी ध्यान में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, भावनाओं से बड़ी होती है सद्भावना। अगर हमने अपने देश की बात करनी है तो हमें यह देखना चाहिए कि यहां कई धर्म है और धर्म का मतलब यह नहीं कि आप अपने धर्म को ऊंचा और दूसरे के धर्म को नीचा समझें। सद्भावना यानी सबके धर्म को सम्मान देना ही हमारे देश का कल्चर है, हमारे संस्कार यही कहते हैं कि सद्भावना भी होनी चाहिए, सिर्फ भावना नहीं जी, सद्भावना भी होनी चाहिए। विष्णु विनोदम जी, जी कई बार आप पर आई हूं और कहीं ना कहीं बात इधर उधर हो गई है, तो इस बार मैं मौका दूंगी। सद्भावना जिसकी बात दीप्ति जी कह रही हैं, धर्म कोई भी हो सभी को हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, कोई एक धर्म ऊपर नहीं होता, सद्भावना इसी को कहते हैं, आप क्या कहेंगे? जी मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल जो इन्होंने कहा बड़ा जबरदस्त बात है और ये बिल्कुल होना चाहिए और जो भी फैसला बस आने वाला है जल्द ही सभी को ये स्वीकार करना चाहिए। थोड़ा सा लगता है कि एक तरफ जैसे कि अभी भारत में दिन है तो अमेरिका में रात है, कहीं ना कहीं दिन और कहीं ना कहीं किसी पक्ष में रात तो होगी होगी, दो लोग लड़ेंगे तो एक की जीत और एक की हार तो होगी होगी, लेकिन अभी ये देखने वाला विषय है कि ये जज किस तरीके से इन सब मामले को मैनेज करते हैं और क्या फैसला देते हैं, और जो भी फैसला आएगा सभी को स्वीकार करना चाहिए और सभी का उसको सम्मान करना चाहिए। देखिए सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स की बात होती तो फैसला बहुत पहले सुना दिया जाता, लेकिन यहाँ भारत के 130 करोड़ आबादी और अनेक धर्म होने के बाद इन सारे धर्म की भावनाओं का पूरा पूरा ध्यान रखा गया और यही वजह है कि इतना टाइम लिया गया है इसके फैसले को सुनाने में। एक बात जो जजेस की तरफ से भी कही जा रही है और हम भी दिखा रहे हैं कि सर्वसम्मति से फैसला, 5 जज जो बैठे हैं ये सर्वसम्मति से फैसला सुनाया जा रहा है। एके मिश्रा जी समझना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि बेंच बैठती है, दीप्ति जी आपके पास भी आऊंगी इसको लेकर, लेकिन एके मिश्रा जी आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये क्लियर किया जा रहा है, लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि 5 जजेस में कोई भी मतभेद नहीं है, सबने मिलकर ये फैसला लिया। कई बार बेंचेस में ऐसे हो जाते हैं कि किसी एक की राय थोड़ी सी अलग थी जिसे अनसुना किया गया, कई बार इस तरह की बात उठती है, तो ये मैसेज देने की कोशिश जनता को कि सर्वसम्मति से लिए। ये आप देखिए परोक्ष रूप से माइक्रो लेवल पे देखिए ये है क्या,
भारतीय न्यायिक इतिहास में पहली घटना मिल रही है जिसको आदर्श न्यायिक प्रक्रिया मैं बोलूंगा। कई बार बेंच का ये सब चीजें अपील नहीं होती है, ये छोटी छोटी चीजें नहीं बताई जाती हैं। है क्या न्याय? न्याय में, न्यायिक प्रक्रिया में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो वो न्याय नहीं है। बेस्ट ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल हमारे माननीय जज महोदय यहाँ पे दे रहे हैं, प्रक्रिया की एक एक चीज को ये बता रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था आपको अभी पहले राउंड में एक घंटे पहले कि 40 दिन में जो ये सारी चीजें पूरी हो गई और जिस हिसाब से ये ट्रांसपेरेंसी उच्च स्तर की पारदर्शिता यहाँ पे बरती जा रही है कि एक एक चीज दिखा रहे हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारे जज वकील ऐसे ही डेडिकेटेड और ट्रांसपेरेंट हो जाए ना तो राम राज्य आ जाएगा। आधे से ज्यादा बुराइयां प्रॉब्लम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी कि जब ये आइडियल प्रोफेशनलिज्म हर बेंच पे, हर जज के साथ, हर वकील के साथ अगर लागू हो जाए या लोग स्वतः मान के वकील लोग, जज लोग करने लगे तो यहां तारीख पे तारीख नहीं, हर तारीख पे न्याय मिलेगा, हर तारीख पे यहां न्याय मिलेगा। और इसी को देश की जरूरत है। ये बहुत सराहनीय कदम है, ट्रू प्रोफेशनलिज्म का ये एग्जाम्पल है, ट्रू ट्रांसपेरेंसी है, टाइम बाउंड है। जितनी तेजी से ये हो, लोगों ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी, साहब आज वो नहीं है, जज साहब वो दे दीजिए डेट चार दिन की बात। जज साहब ने क्या बोला था? नहीं, उसी दिन को होना है तो उसी दिन को होना है। मैं तो चाहता हूं कि इस इन सब चीजों को मैंडेटरी करके जूनियर से लेकर सीनियर कोर्ट तक ये सारी चीजें इस प्रोफेशन, न्याय के प्रोफेशन, डॉक्टर के जो प्रोफेशन है और पुलिस का जो प्रोफेशन है रक्षा से संबंधित, यहां पे ऑन द स्पॉट चीजें होनी चाहिए कम से कम समय में और फुल ट्रांसपेरेंसी पे। ऐसा ना हो कि कोई आदमी 100 नंबर पे फोन कर रहा है कि साहब मुझे बचाओ और पुलिस आधे घंटे के बाद फोन उठा रही है। तो ये तीनों बड़े किसी देश को स्वस्थ रूप में गतिमान रखने के लिए ये तीनों बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर ये तीनों चीजें जिस दिन अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गई ना, देश की जितनी भी आकांक्षाएं हैं, सरकार की, देश की जनता की जितनी भी आकांक्षाएं हैं, वह स्वतः अपने आप पूरी होती चली जाएंगी क्योंकि माहौल ऐसा बनेगा। दीप्ति जी, जो ए के मिश्रा जी कह रहे हैं और वाकई में छोटी छोटी जो चीजें होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि आम जनता को समझाइए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कैसे प्रेशर रहता होगा, क्योंकि जनता जो है वो नहीं इन लीगलिटीज में जाना चाहती है, लेकिन आपके द्वारा समझाना चाहूंगी कि ये जो छोटी सी चीज है कि सर्वसम्मति से ये फैसला आ रहा है, क्योंकि कई बार जब पैनल बड़ा बैठता है तो जजेस के बीच कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं विचारों को लेकर और फैसला एक दे दिया जाता है, लेकिन कई बार होता है कि मैंने ये पॉइंट पर मेरी सहमति नहीं थी लेकिन बाकी तीन की सहमति थी तो बात बन गई। तो यहां ये बात अगर बताई जा रही है तो एक मैसेज देने की कोशिश कि कई बार आपस के सहमति की जरूरत नहीं होती, क्या है कि इसको हम लोग सर्वसम्मति का मतलब ये ना समझे कि सबके सब एक जैसी बात सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि मेजॉरिटी क्या कहती है। तो जब 5 जजेस की बेंच बैठते हैं तो इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, संवैधानिक बेंच है, जहां पे 5 के अपने अलग अलग मत हो सकते हैं, मत यानी कि वोट। इस वोट को इस तरीके से काउंट करते हैं कि मेजॉरिटी किधर जा रही है, किस पक्ष में। कुछ दिनों पहले आप लोगों को ध्यान होगा सबरीमाला केस में, जहां पे कि हमारी जो जजेस हैं उसमें एक जज इंदु जी का फैसला थोड़ा सा अलग था, लेकिन चूंकि इसमें 4 जजेस एक साथ एक बात कह रहे थे तो इसको सर्वसम्मति ही माना गया। तो आज भी ऐसा है, लेकिन आज अच्छी बात यह है कि 5 के 5 जजेस एक ही बात बोल रहे हैं। अभी आने वाले टाइम पे ये पता चल जाएगा कि हो सकता है उसमें से किसी एक जज ने अपनी किसी वक्तव्य को या अपनी वोट को देते वक्त कुछ लाइन अपने कहे होंगे। इनके अपने कमेंट्स भी होते हैं, हर एक वोट के साथ इनके अपने कमेंट्स होते हैं कि ये कहने का रीजन क्या दे रहे हैं। ये नहीं कि पांचों एक ही साथ बात, ऐसा नहीं कहते जी। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, जो डिस्प्यूट होता था कि ये मस्जिद बनी किसने बनाई। जी, जी। अभी कोर्ट ने बोला कि बाबर के टाइम पे ये मस्जिद बनाई गई, मीर बाकी ने बनाई। ये जो फैसले आ रहे हैं, जज साहब के जो कमेंट्स आ रहे हैं, उस पे हम लोगों को डिस्कस करना बहुत जरूरी मैं समझता हूं। देखिए, इसमें दो पक्ष बनाए गए हैं। आप लोगों को शायद ना जानकारी हो या इसको भूल रहे हो कि इसको इसका फैसला लेते वक्त दो तरीके से इसको समझा गया है। एक तो हिस्टोरिकल पक्ष और दूसरा रिलीजियस पक्ष, यानी कि धार्मिक पक्ष। धर्म की तरफ से क्या होता गया पीछे से हमारे इतिहास में, और इतिहास क्या कहता है, कब कब हमारे देश में कैसे कैसे लोगों की एंट्री हुई, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों को जोड़कर और उसके बाद बाकी जो हमारे बोर्ड्स हैं और वक्फ बोर्ड है या हमारे बजरंग दल के हैं या बाकी और सारे लोगों का क्या कहना है, इसके अकॉर्डिंग आज का ये फैसला हो रहा है। जी, खुद रंजन गोगोई का ये कहना है, फैसला पढ़ते वक्त कह रहे हैं कि फेथ एंड हमें हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें
अगर फेथ को एक्सेप्ट करना है तो साथ ही साथ बिलीफ ऑफ वर्शिप, यानी कि जो जो भी चाहे वो कोई पक्षकार हो, वो अगर जो भी वर्शिप करते हैं उनको भी उनको समझना होगा। हदीस को लेकर एक जिक्र किया है अजीज जी, यहाँ समझना चाहूंगी कि इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे। ये बातें चल रही हैं, ये फैसला जब सुनाया जा रहा है तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं, ये समझना चाहूंगी आपसे। देखिए हदीस की व्याख्या, देखिए मैं आपको बताऊं ये मामला कैसा है, दोनों का हो गया। ये एक मतलब एक मुद्दा बना रखा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, धर्म किसी का भी हो, कोई किसी भी धर्म को मानता है उसका सम्मान करना चाहिए। और कुछ मसले ऐसे होते हैं जो कुछ गलत लोगों से, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ गलत भी होते हैं, चंद गलत लोगों से और थोड़ी चंद राजनीति से, ये ना ही तो किसी धर्म को मानते हैं और ना ही किसी मजहब को मानते हैं, ना ही किसी हदीस को मानते हैं। हदीस पे तो फैसले सुनाने वाले बहुत सुनाए अब से पहले, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली, उससे कोई फ़ायदा नहीं। अब तो यही है, इस जनता को आपस में प्यार से और भाईचारे से इस मामले को करना चाहिए। निर्मोही अखाड़ा अपना दावा साबित नहीं कर पाया है, निर्मोही सेवादार नहीं है, निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया गया है, कैसे देखते हैं कि मिश्रा जी से? देखिए निर्मोही का और शिया वक्फ बोर्ड, इन दोनों का दावा खारिज कर दिया गया है। एक दो बड़े इंपॉर्टेंट आए हैं जिसपे हमेशा डाउट रहता था सारे पक्षों के बीच में कि भाई मस्जिद थी कि नहीं थी, सारा विवाद इसी को लेके। कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया कि बाबा के टाइम पे मीर बाकी ने मस्जिद बनाई। यहाँ मेन जो रामलला को यानी प्रभु श्री राम को मेन जो है वो माना हुआ है, पक्षकार माना, यानी पूरा का पूरा ये कोर्ट का मैटर भाई अब प्रभु श्री राम को ही मेन पक्षकार सेंटर में आ गया है, लीगल व्यक्तित्व माना गया है। दीप्ति जी, मैं गलत नहीं हूं तो राम लल्ला को एक ऐसा लीगल व्यक्ति माना गया है जिसको सारे राइट्स हैं जो देश के नागरिक को होते हैं। जो हमारे पिटिशनर है इसमें राम लल्ला के बाल रूप को ही पिटिशनर बनाया गया है, मतलब आज तक हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें पिटिशनर राम लल्ला का कौन सा रूप है, तो इनका बाल रूप है जिसकी वजह से ये कई ऐसे चीजों से इम्यून है, जिसमें लिमिटेशन एक्ट हो गया या कई ऐसी चीजें जिसमें एविडेंस का हो गया, तो इनको इम्यून रखा गया और रामलला के बाल रूप को ही पक्षकार, मुख्य पक्षकार माना गया है। उसे सारे राइट्स हैं। मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये जो लीगल व्यक्तित्व शायद इसी को कहते हैं कि देश के नागरिक के तौर पर उसे सारे अधिकार हैं, क्योंकि क्योंकि आस्था इन्वॉल्व हो गई और आप मान रहे हैं। एक और चीज है, कौन डिफेंड करे? श्वेता, एक चीज और आई है कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पे नहीं बनी थी, इसका मतलब है कि वहां पहले कोई ना कोई निर्माण था। वो क्या था, मंदिर था? यही तो लड़ाई है कि मिश्रा जी ये बात तो मान रहे हैं, 1528 में सब मान रहे हैं कि बाबा ने मस्जिद बनाई। बात मानने की नहीं है, एक पक्ष मान रहा है दूसरा नहीं मान रहा है, विवाद यही था। ये तो पुराना तो विभाग ने भी तो जब किया, मिश्रा जी सबूत साफ तौर पे कह रहा है, साहब ने इस पे अंतिम मोहर लगा दी। ये जो 40 दिन चर्चा हुई है इसी पर तो हुई कि वहां पर पहले क्या था, बिल्कुल प्लेन जमीन पर तो मस्जिद बनी नहीं थी, स्पष्ट हुआ था, बदला है, स्पष्ट हुआ था। पहले कुछ और बात कही गई थी और नीचे मिली रचना को ईदगाह, अब ये मतलब ऐसा है कि कहा जा रहा है, साफ है कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बना था, नीचे विशाल रचना थी। जब विशाल रचना की बात हो रही है और पुरातत्व विभाग ने जो ये हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को कोर्ट ने सही माना है, तो ये कहा जा रहा है कि अब इसे ईदगाह खुद बदल जा रहे हैं अपनी बातों से, वो कह रहे हैं कि नीचे जो विशाल रचना थी वो ईदगाह, मतलब लेकिन वो जो खुदाई से मिला है एक्लॉजिकल डिपार्टमेंट से, वो कोई इस्लामिक ढांचा नहीं था, वो भी स्पष्ट हुआ है। देखिए आप, नहीं नहीं ये बताता है ना कि विवाद को कैसे बढ़ाया गया, भाई हम नहीं मानेंगे, एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूरा तथ्यों के साथ जो फाइंडिंग्स मिली काफी है, नीचे तक खुदाई की गई है, काफी नीचे तक, जिसमें कि और कई शिवलिंग मिले हैं, कमल के फूल मिले हैं, सारी ऐसी चीजें मिली है। बकायदा ये बताया गया है एएसआई की रिपोर्ट में कि 12वीं सदी की मंदिर की संरचना मिलती है और उसके बाद भी ये कहना अब सुन्नी वक्फ बोर्ड का कि ईदगाह का वो हो सकता है, तो ये तमाम तरह के कह सकते हैं कि अपना पक्ष रखने के लिए आप फ्री हैं तो आप हर तरह की बात करते हैं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स का इतना ख्याल रखना वाकई में, क्योंकि फैसला ये ऐतिहासिक होने वाला है तो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दीप्ति जी आप बता रही थी कि जैसे ये श्वेता यहाँ पे तीन ऐसे पॉइंट अभी हमारे सामने आए हैं जिससे अब अनुमान लगाया जा सकता है कि फैसला क्या हो सकता है। देखिए बाबर के टाइम पे मस्जिद बनी, ये क्लियर हो गया, मीर बाकी ने बनाई, नीचे में कुछ और आज जो ढांचा था उसके नीचे मंदिर था, रामलला जी को मेन पक्षकार, यानी अब ये मुकदमा रामलला जी जो उनका बाल रूप है जहां जन्म हुआ और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच में है, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड तो बीच से हट गया। हाँ, सुन्नी वक्फ बोर्ड अब वो देखिये उसके पॉइंट बड़े कमजोर हो गए हैं, क्योंकि किसी एक ढांचे मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया था
तो सुन्नी वक्फ बोर्ड का पक्ष जो है मुझे बड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा कुछ फैसला आए किसी भी रीजन से कि रामलला का ये जन्म स्थल था तो ये निर्मोही अखाड़ा वगैरह तो ये सब हट गए, तो सारी जमीन जो है किसी एक चीज को यानी रामलला जी के मंदिर को समर्पित कर दिया जाए, ऐसा मेरा अनुमान है। ये तीन फैक्ट जो है, तीन जो चीजें कोर्ट ने अभी एक फाइनल अपना जजमेंट दिया, तीन पॉइंट, ये अपने आप में सफिशियंट है। सारा डिस्प्यूट केवल इन्हीं चीज, लोग पूछते थे कि राम है कि नहीं है, राम कौन है, राम को कैसे एक पक्षकार बनाया जा सकता है। एएसआई की रिपोर्ट को ही नहीं मान रहे थे, पक्षकार बनाया जाता है या नहीं, बना चुके हैं एक बार, इस पे भी बहुत डिस्प्यूट हुआ था कि राम को कैसे पक्षकार बनाया जा सकता है। नहीं, हम डिबेट करने के लिए कुछ भी डिबेट कर ले, लेकिन कई बार होता है, ये वही देश है, ये वही जो पॉइंट श्वेता दिखाया जा रहा है कि उस मस्जिद तो बनाई गई, जैसे अभी हाँ वो ये भी बोल रहे थे कि 1528 है ना, मस्जिद बनाई गई, परंतु मस्जिद प्लेन उस पे नहीं बनाई गई, के नीचे कोई ढांचा था। अब वो ढांचा क्या था वो उसके ऊपर बात चलने लगी। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बहुत सुंदर स्पष्ट किया, याद आ रहा है कि शायद जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे ना वो भी एक मुस्लिम थे और उन्होंने ये बात उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई ढांचा नहीं था। यही है जो वो कह रहे थे ना, जो समय हाईकोर्ट हमारा जो तरफ से इस पे नजर बनाया, हमारा जो नेशनल वो है सत्यमेव जयते, जो चार अशोक के जो चक्र है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है खारिज नहीं की जा सकती, ये कोर्ट कह रहा है। एएसआई की अगर रिपोर्ट खारिज नहीं की जा सकती तो साफ तौर पर विष्णु विनोदम जी आप खुश हो सकते हैं, आप वाकई में खुश हो सकते हैं, बिल्कुल खुश, लेकिन अब आप कह सकते हैं 9/11 हम नजीर पेश कर रहे हैं, धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहे हैं। श्वेता, ये सबकी खुशी की बात है, जैसे तो ये सत्यमेव जयते की बात है कि जो सच है वही आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ रही है। आज सच्चाई सुप्रीम कोर्ट में बैठे वो जो पांच जज हैं वो आज सच सुना रहे हैं और इसका सम्मान होना चाहिए। यहाँ अब्दुल अजीज भी बैठे हैं, विष्णु विनोदम भी बैठे हैं और दोनों ही फैसले का सम्मान करेंगे। जी ए के मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज सभी को करना चाहिए फैसले का, अगर फैसला ये आता है कि भाई वहां राम मंदिर बनेगा तो यहाँ पे जो हमारे मुसलमान भाई है ना वो भी जबरदस्त खुश है। और मैं एक चीज की गारंटी और दूंगा, जैसे मैंने शांति की दी थी, अभी तक कहीं से कोई अशांति की खबर नहीं आई। मंदिर अगर बनना शुरू होता है ना तो आप देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि उसमें जितने श्रमिक लगे हैं वो मुसलमान आर्किटेक्ट वगैरह, ये सब कई मुसलमानों ने, कई मुसलमान भाइयों ने पहले ही घोषणा करके रखी है। खुद सर ये कोट कह रही है, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी कि हिंदूज कंसिडर अयोध्या एज अ बर्थ प्लेस ऑफ लॉ ड्रामा, दे हैव रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मुस्लिम कॉल इट बाबरी मस्जिद, फेथ ऑफ हिंदूज दैट लॉ ड्रामा वॉज बॉर्न हियर इज अनडिस्प्यूटेड। मतलब क्लियर है, कोर्ट ये कह रही है कि अगर आपका फेथ है, आपका बिलीव है कि राम जन्म यही हुआ था, इस पर कोई चैलेंज नहीं हो सकता, इस पर कोई जिरह नहीं। वही मैंने बोला था भावना, कोर्ट कोर्ट के जो नियम बने हैं कानून उसमें भावना को बहुत महत्व दिया गया है। भले ही कोई बोले कि कोर्ट फैक्ट पे चलती है, इस पे चलती है, लेकिन ये तो पलट गई सर। सुन्नी वक्फ बोर्ड, हमने 40 दिन की सुनवाई में भी देखा, सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि नीचे जो संरचना मिली है ईदगाह की है, एएसआई में कहीं जिक्र नहीं है। पक्षकार पलट, देखिए जज और पक्षकार में फर्क होता है। आप लोगों ने पंच परमेश्वर जिन्होंने कहानी पढ़ी होगी ना, आप अपने स्टैंड पे तो क्लियर रहिए। देखिए एक एक व्यक्ति के कारण, सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो हेड है या एक आदमी जो है उनके कारण आप 20 करोड़ मुसलमानों पे क्वेश्चन मत उठाइए या किसी पे भी क्वेश्चन मत उठाइए। वो उनका अपना निजी स्वार्थ होगा, हो सकता है जमीन के लिए लड़ रहे हैं। कोर्ट का फैसला आने दीजिए। और ये सही है, आज का जो 9 तारीख है, 9 नवंबर ना, शांति के अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन होगी, विश्व शांति, भारत की सहिष्णुता जो है दुनिया देखेगी आज के दिन में और लगातार। इसके बाद अगर मंदिर बनने का काम होता है, आज हम नजीर पेश करेंगे, आज हम एज अ भारतीय नजीर पेश करेंगे। आज गुरु जी ने आपको आशीर्वाद दिया था ना कि आपकी जबान पे जो है सरस्वती बैठे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक एक करके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए क्योंकि आम जनता ना इतने डेप्थ में नहीं जाती है। दीप्ति जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये जो फैसला पढ़ रहा है उसमें एक एक लाइंस क्लियर किए जा रही है। निर्मोही अखाड़ा को जिस तरह से साइडलाइन कर दिया गया कि आपका आप सेवादार नहीं माने जा सकते, आपका हक नहीं, उसके बाद धीरे धीरे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर किए जा रहे हैं। ये एक खूबसूरती भी कह सकते हैं और टेक्निकलिटीज भी होती है कि क्योंकि ये इतना अहम फैसला है तो इसमें लोगों को जाना चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि क्या रिपोर्ट्स आई, किनको कोर्ट ने तवज्जो दी, किसको नकारा नहीं जा सकता है। अभी तक जो ये हम देख रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट को गलत नहीं माना जा सकता है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे देखती है ये सारी टेक्निकलिटीज जो सुप्रीम कोर्ट एक एक करके क्लियर कर रहा है।
जी इसको शुरू से ही जमीनी विवाद को लेकर आगे बढ़ा गया था, तो जमीनी विवाद जब इस तरीके का था जिसमें कि सदियों के इतिहास इसके अंदर जब्त हैं, तो इन सबको एएसआई के आधार पे ही किया गया, इसके इसको सुनने का काम किया गया, एएसआई को काम दिया गया कि आप इसको जांचिए इस जमीन के नीचे तक क्या रहा है, जिसमें ये बाद में पता चलता है कि इस जमीन के तीन तह तक कुछ हिंदुओं के ही अवशेष मिले, जहां शिवलिंग मिला, कभी कमल के फूल मिले, कुछ भगवान और कुछ मूर्तियों के और मंदिरों के ढांचे मिले, जहां पे एएसआई के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक भी ऐसा सबूत नहीं दिखता जो किसी मस्जिद को बताता हो जी। तो इस वजह से ये टेक्निकल चीजों का ध्यान में रखा गया जी, क्लियर जो चीजें मिली के ऊपर जो कशीदाकारी थी वो देखिए और भगवान की भावना बड़ी प्रधान रहती है अपने कानून व्यवस्था में भी। यही सुप्रीम कोर्ट का यही वर्डिक्ट आया है कि हिंदू आस्था को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। मैं सुबह से ही बोल रहा हूँ। खुश होंगे अब चेहरे पे हंसी आ रही है सर? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ और अभी बहुत एक्सप्लेन करते चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, एक एक पॉइंट्स पे बात हो रही है, उम्मीद अब तो बिल्कुल कायम है ना सर, इंसाफ मिलकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए बैठी है क्योंकि उन्हें भी पता है कि आज ऐतिहासिक फैसला वो सुना रहे हैं। इतना बड़ा मामला था, इस तरह नजरअंदाज नहीं करा जा सकता था इस मामले को, ये तो लोगों ने बना रखा था। मैं आपको श्वेता जी, 6 दिसंबर को अभी रिसेंटली पिछले साल ही हम लोग अयोध्या गए और वहाँ पर जितने भी मुस्लिम पक्ष के लोग थे लाइक बबलू खान वगैरह, उन लोगों ने हमारे साथ हनुमान चालीसा पढ़ी हनुमान मंदिर में बैठ कर के, और उनको इस राम मंदिर से कोई भी दिक्कत नहीं। वो लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने और इन हार्डली चाहते हैं, लेकिन कुछ सियासी दार हैं जो अपनी सियासत के चक्कर में विवाद पैदा करने की कोशिश। तो इसका मतलब ये हुआ आज 9/11 की इस डेट ने सियासत को खत्म कर दिया और एक्चुअल फैक्ट एंड देखिए मैं आपको पर हम लोग मैं दो बात बिल्कुल यही सियासत नहीं कर रहे हम अपना करना चाहते हैं ऐसे मुद्दे पे। आज आज सियासत का दिन नहीं है जैसे श्वेता आपने कहा ये मामला, लेकिन आज ये धर्म की बात होती है क्यों संजय गुप्ता जी, आज तो साथ दे रहे हैं ना, वो भी एक ऐसा ये कैसा था जुड़ी है, लेकिन ये मामला बिल्कुल जो आज भाई बहन का रिश्ता भी जुड़ गया है बिल्कुल कम पर्दे के पीछे। इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश हमें मिल रहा है या मिलने को है, हमें उसको समझने की आवश्यकता, और जो भी आदेश उसके अंदर मिलेगा उसका सम्मान करने के लिए प्रत्येक इस देश का नागरिक प्रतिबद्ध है मैं समझता हूं, और उसके बाद भी यदि कोई इसके अंदर जाकर के अलग से अपनी राय रखना चाहता है तो मैं समझता हूं वो ठीक नहीं रहेगा, और जो उसके अंदर राय आ रही है वो एक हर्ष का विषय है। इस देश के अंदर जो भी चीज़ें कोर्ट हमारे को तय कर देगा, तो मैं समझता हूं बहुत से लोगों की जो इसके अंदर भावनाएँ हैं और जो उनके मन के अंदर आज उल्लास है उसको हमें समझना चाहिए और उसका आदर भी करना चाहिए। और इस देश के अंदर मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि राम का विरोधी कोई नहीं है, यहाँ राम बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है सर, राम का विरोधी कोई नहीं है। कोर्ट ने कोर्ट की है कि अयोध्या में राम के जन्म के दावे को किसी ने खारिज नहीं किया, ये मतलब ये बड़ी बात हो जाती है कि दावा खारिज नहीं हो रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि वो राम जन्मभूमि नहीं है। अब्दुल अजीज जी भी बैठे हैं, कल भी ये यही बोल रहे थे कि हम ये मानते हैं कि वहां मंदिर बनना चाहिए, विवाद इसका नहीं है। देखिए ये विवाद जो था ये एक दूसरे जो जमीन हड़पना चाहते हैं जिनको हराम का माल चाहिए बहुत बड़ा, ये उन लोगों ने एक दूसरे को बुरा कहते रहे, एक दूसरे समुदायों को और भिड़ाते रहे लड़ाते रहे अपनी राजनीति और कुर्सी के चक्कर में। नहीं ये मामला तो बहुत पहले भी हो सकता था, ये आपस में सब बैठ के कर सकते थे, ये इतना बड़ा मामला नहीं था। श्वेता मुझे ऐसे लगता है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट पॉइंट टू पॉइंट बता रही है और जो एएसआई के जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं यही तो पहले भी आ सकते थे, बिल्कुल पहले थे हाई कोर्ट में तो यही थे पहले, तो आज आज मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप मिला है और उनको एक क्लियर हरी झंडी मिली है जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स थे उससे मोड़ा नहीं जा सकता ये आ सकता है कोई घुमा लेता रोक लेता जो भी फैसला पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको नहीं पता कई पक्षकार इम्प्लीट कर यूं कहें कि रामलला को अपने जन्म स्थान के लिए बहुत कष्ट मुझे ये लगता है ऊपर लोगों ने कई बार विवाद किया कि ये कहां से आ गया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सही नहीं मानते, इनके पास तरीके नहीं है जांचने की, आज कई चीजें थी जिसको देखकर चैलेंज खारिज हो जाती हैं। फैसला सभी बड़े मन से जो है वो स्वीकार करें और देश अब इस विवाद को खत्म कर
आगे बढ़े। वाकई में जो सभी समुदाय के लोग चाहते थे कि एक ऐसा फैसला आए जिस पर देश की जनता भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करती थी, तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा, और फैसला भी कुछ उसी तरीके का है कि जो उम्मीद थी, एक फैसला दिया है और जिसको सब लोगों को स्वीकार एकदम करना हो चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबको सबकी बातें की है और करने के बाद रामलला को बिल्कुल रामलला के पक्ष में निर्णय दिया है, ये बिल्कुल पूरे विश्व की, न सिर्फ देश की धार्मिक एकता और अखंडता को बनाए रखने की निर्णय है, बल्कि पूरे विश्व के लिए। आज पूरा विश्व जिस प्रकार से आतंकवाद से ग्रस्त है, भगवान श्री राम जिन्होंने त्रेता में आकर के आतंकवाद के लिए असुरों का संहार किया, आज निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, ये देश की एकता और अखंडता, भाईचारा सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। पक्ष को भी अब ये कहा गया है कि उनको एक अल्टरनेटिव लैंड दिया जाए। देखिए, इसका बिल्कुल हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि हम किसी का, देखो सबसे बड़ी बात कि आज जीत हार किसी का नहीं हुआ है, बल्कि आज समस्या का समाधान हुआ है। जो आज सदियों से विवाद एक बना हुआ था, एक युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, आज उसको पटाक्षेप हो गया है और उस विवाद का निराकरण हो गया है। मुस्लिम भाइयों को भी जिस प्रकार से 5 एकड़ जमीन दिया गया, हम उसका स्वागत करते हैं, वो बनाए, हम भी आएंगे, और भगवान राम का मंदिर जो बनेगा उसमें भी हम उनको, मुस्लिम पक्षकारों को भी आमंत्रित करेंगे और सबको आमंत्रित करेंगे कि आप आए और आ करके मंदिर में भी हिस्सा लें। और बात ये भी होगी, चलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जी, बिल्कुल हम लोग उसमें पूरा वो करेंगे और बिल्कुल होना चाहिए, और हम उसका स्वागत करते हैं, और जो भी निर्णय आया पूरी तरह हम लोग स्वागत करते हैं उसका। जी जी जी, तो ये लगातार रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, और जो उम्मीद एक सुप्रीम कोर्ट से थी कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट से जो आएगा, सभी दल सभी समुदाय के लोग यही कह रहे थे कि हमें सर्वमान्य होगा, और कुछ दिन से जो ये मुहिम चली हुई थी, लगातार कोशिशें की जा रही थी, सबसे अपील की जा रही थी कि आपसी सौहार्द बनाए रखें, उसी तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं कि उम्मीद जो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा ही फैसला सुनाया जाएगा जिस पर लोग राजी होंगे और किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, लेकिन क्योंकि आस्था और धर्म से जुड़ा यह मामला है तो उम्मीद यही थी। ये जो अयोध्या पर फैसले की बड़ी बातें हैं वो हम आपको पॉइंट्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 3 बड़ी बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि मुस्लिमों को जो है वो 5 एकड़ की अलग जो है जगह दी जाएगी, केंद्र सरकार जो है वो मस्जिद का निर्माण करा सकें, धार्मिक स्थान का निर्माण करा सकें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विनय कटियार जी, लंबे समय से राम जन्मभूमि को लेकर कानूनी लड़ाई भी चल रही थी। विनय जी, तो ये रिएक्शंस तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस हो या धर्मगुरुओं के रिएक्शंस हो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह के हालात है वो भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और फैसला आ चुका है, हिंदुओं के पक्ष में है फैसला, अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को, मुस्लिम पक्षकारों को जो है वो अलग जगह जमीन दे दी जाएगी। केंद्र से बात, केंद्र को ये बात कही गई है कि आप ट्रस्ट बनाएं, जो ट्रस्ट है राम मंदिर का निर्माण करेगा, रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है कि राम लला जो है वहीं विराजमान होंगे, राम लला पक्षकार की जो है यहाँ जीत हुई है, और किस तरीके से एक 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 पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, ये जो पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं उतने ही पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं कि जनता को फैसला समझने में दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, क्योंकि जब लिखा जाता है फैसला तो जो लीगल टर्म्स होते हैं उसे कहीं ना कहीं आम जनता नहीं समझ पाएगी, तो उसे एक 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 पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। सबसे पहले यह बताना कि 5 जजों के बीच में सर्वसम्मति है, मतलब एक भी जज कुछ अलग नहीं सोचते हैं, ये जो 5 जज सीजीआई को लेकर, जी एके मिश्रा जी कुछ एड ऑन करना चाह रहे हैं। एक शब्द बोलूंगा, सत्यमेव जयते, ये आज का नहीं है, मुंडक उपनिषद में हजारों साल पहले जो है ये कहा गया है, और हमारा ये राष्ट्रीय उद्घोष वाक्य है जो मैंने बोला था है, ये किसी की हार और जीत नहीं है, ये केवल सत्य की ही जीत है जो आज हुई है। अब मैं फिर से, जो सुबह मैंने रामचरितमानस की चौपाई की थी, कही थी, कौन सी चौपाई कही थी याद है आप लोगों को, कोई बताइए ना कौन सी कही थी आपने, अभी अभी दोहराया भी था विष्णु विनोदम जी को,
होई है वही जो राम रची राखा इसी तो शुरुआत हाँ। इसे राम करे सो होई। हाँ मैं कहने का मतलब ये था कि होई है सोई जो राम रची राखा, तो जो जो राम ने लिख के रखा हुआ है वही होगा, हमें आपको आर्गुमेंट या तर्क करने की जरूरत नहीं है, वही हुआ। अब आगे क्या करना चाहिए, सीताराम सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे, वहां पर मंदिर बनेगी, उसके लिए ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट मंदिर बनवाएगा। और साथ साथ ये भी कहा है कि वहाँ फ्राइडे नमाज कुछ दिन पढ़ी गई थी, इसलिए मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन कहीं दूर दे दी जाए। सर जमीन देने का भी फैसला क्लियर नहीं हुआ कि कहाँ दे रहे, क्या सरजू 5 जमीन दे, ये अभी जजमेंट मैंने पढ़ा नहीं है, जजमेंट जब मैं पढ़ लूँ तो बताओ। उस लैंड में से 5 एकड़ देंगे। हाँ वो तो हाँ ठीक है, उसे में कहीं सर एक सर ठीक है जी सर, अभी जजमेंट में पढ़ लूंगा तब उसमें बताऊंगा। सर जो मुस्लिम पक्ष है लगातार मांग कर रहा था कि कुछ भी हो लेकिन अगर उस जमीन पर मालिकाना हक उसका साबित नहीं हो पाएगा, इस पर क्या कहना है? उनका मालिकाना हक साबित नहीं हुआ है और इसके बावजूद कोर्ट ने, चूंकि उन्होंने नमाज पढ़ी थी कुछ दिन, उनको एक अल्टरनेटिव लेट देने का प्रावधान किया है। सर आपके किस उससे हैं? हिंदू महासभा, हिंदू हरिशंकर जैन, हिंदू महासभा के एडवोकेट हैं। तो हिंदू पक्ष की जीत हुई है और ये जो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं ये भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस फैसले को लेकर। दीप्ति जी जो बात ए के मिश्रा जी कह रहे थे, जीत तो हो गई जी, फैसले को डिस्क्राइब करना पड़ा या जो ये जिस नहीं, आप इसको हिंदू पक्ष या मुसलमान पक्ष की जीत मत बोलिए या बीजेपी कांग्रेस की जीत, नहीं रामलला की जीत तो कह सकते हैं, नहीं पक्षकार थे सर, मुंडक जो हमारा राष्ट्रीय उद्घोष लिया गया है मुंडक उपनिषद से, भले ही सब लोग किसी एक धर्म विशेष को राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए बोलते रहे, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है ना, कोर्ट तो इसी पर काम करता है, तो आज आज भी वो कथन जो हमारे हैं वो सत्य है, वही सत्य हुआ है। यही तो बात है, सत्यमेव जयते कोर्ट तो इसी पर काम करता है, लेकिन अगर कहीं कोई त्रुटि कहीं कोई फैक्ट्स रह गया है तो उसे वो हम आगे अपील कर सकते हैं, हमारी न्याय व्यवस्था ही हमने वैसे बना रखी है, हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अभी कई बार ये बात उठ जाती है कि आखिर हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला, आगे अपील अगर वो करेंगे तो वो हठधर्मिता है, मैं आपको बता, नहीं गुंजाइश ही नहीं छोड़ी ना हम, तो यही बात हम तो बार बार पूछ रहे हैं। देखिए पास्ट में ना कई ऐसे फैसले आए हैं हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जिसपे विवाद बना रहा है, जैसे हम लोग सबरीमाला का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जिसपे अभी भी विवाद चल ही रहा है, लेकिन इस बार का जो फैसला है ना, भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है और कभी भी विवाद ना हो इसका भी ध्यान रखा गया। बोलना चाहूंगा जो टीवी डिबेट में आते हैं किसी भी धर्म का, जो स्पेशली हमारे देश के जो हजारों साल पहले से जो परंपराएं रही हैं, आप उनका मजाक मत उड़ाया करें, उनको कोर्ट में या कहीं पे भी चुनौती देने की जरूरत नहीं है, वो बड़ी वैज्ञानिक है, आप डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, कभी यहाँ मंदिर में ना जाओ, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉस्क इन एनी प्रोमिनेंट एरिया इन अयोध्या, इट कैन बी इन अयोध्या और एनीवेयर आउटसाइड, दैट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, येट नॉट क्लियर वेयर द मॉस्क इज गोइंग टू बी बिल्ट, दे हैव द वर्ड दे हैव यूज्ड any prominent area in Ayodhya and the central government and the state government has to decide as to where they have to give that land. Sir, so this is very clear. Don't create any confusion. The orders and the directions of the Supreme Court are very clear. Sir, is there any order about the rest of the area? Because the 67 acres of land have been given to the central government and the inner and outer courtyard have been given to Hindu parties under suit number 5 and they will construct the temple and the central government has a ये बार बार जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मस्जिद कहाँ बनेगा, जब बात एक तरह से क्लियर है, मुझे लगता है इस तरह के सवाल अभी नहीं होने चाहिए, बात आएगी क्योंकि दिया जाएगा और उस चॉइस के अकॉर्डिंग, इसीलिए तो 3 महीने केंद्र पेश करे योजना, केंद्र को ये 3 महीने का वक्त शायद इसलिए दिया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए है क्या, जब ये राम मंदिर बनेगा, आप आस्था को छोड़ दीजिए, अगल बगल जितने भी हिंदू मुसलमान जो जाति धर्म के हैं लोग आएंगे तो उनका बिजनेस बढ़ेगा, आगे 5 सालों में मंदिर बनने के बाद देखिएगा जो आज झोपड़ी में है वो महल में रहेंगे, पहली चीज, ये सबका फायदा। अब मुस्लिम धर्म को अगर मस्जिद बनाना है तो मैं लॉजिकल वे में ये बोलता हूँ, किसी ऐसी जगह पे ले जाइए जो वाकई में बहुत पिछड़ा हुआ है और भव्य मस्जिद बनाइए, ताकि टूरिज्म वहां पे दूर, जैसे लखनऊ में, लखनऊ या किसी और डिस्ट्रिक्ट में बनाइए, अयोध्या के बाहर बनाइए, जहां पे कि वहां पे भी टूरिज्म डेवलप होगा और अगल बगल के जितने उस जिले में रहने वाले लोग हैं उनको भी बहुत जबरदस्त फायदा होगा। ये धार्मिक तरीके से तीर्थ स्थलों का एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है।
वाला फैसला होगा। बिल्कुल सब तरीके से सबका सम्मान और सबका विकास यही तो चाहती है देश की जनता। सबका विकास और सबका सम्मान ये न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रहता है, ये तो बीजेपी का भी नारा है। तो ऐसे में तो जिम्मेदारी बन जाती है, केंद्र सरकार पर एक जिम्मेदारी दे दी गई है कि 3 महीने के अंदर योजना लाएं कि किस तरीके से जो जमीन है वो कहां दी जाएगी। और जो एके मिश्रा जी कह रहे हैं आप इतफाक ज्यादा ही अनडेवलप्ड रहा, तो ध्यान तो कि जमीन अगर देनी है और केंद्र सरकार के पास ये बात कह रही है सुप्रीम कोर्ट की आप 3 महीने में ये योजना बनाएं कि कहां जमीन देनी है, इन चीजों का ध्यान रखें, ट्रस्ट भी बनाया जाए राम मंदिर के लिए और जमीन देने को लेकर भी। तो एके मिश्रा जी का कहना है कि जमीन वहां दी जाए जहां मस्जिद बनने से वहां उस प्लेस का उत्थान हो, टूरिज्म बढ़े, लोग आए। मिश्रा जी का जो ये एक तरह से मैं कहूं कि सजेशन है, प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार इस पर जरूर काम करेगी क्योंकि सरकार का भी पहला एजेंडा यही है। अयोध्या एक ऐसी जगह है जिसने करीब 185 सालों से डेवलपमेंट के नाम पर हमेशा धारा 144 देखी है। इस देश में जहां भी कम्युनल टेंशन अराइज हुआ है सबसे पहले अयोध्या के लोगों को परेशानी हुई है। आप महसूस कीजिए कि आपके घर के सामने 2 महीने तक धारा 144 से पुलिस वाले खड़े हुए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है यही एक सही समय है। टूरिज्म जाहिर बात है वो बढ़ेगा, लेकिन ये भी एक सजेशन अच्छा है कि मस्जिद अगर कहीं ऐसी जगह पर बने कि जहां पर डेवलपमेंट then we will decide what future course of action will be ours. That is detailed comments cannot be made just now, but we can say that the judgment is there are several contradictions in the judgment and there are some incorrect findings also, so we will examine them, but naturally it is judgment of Supreme Court, we respect it, there is no question of, and we appeal to the nation to observe restraint and peace. Right. That entire country should remain peaceful and there should be no Sir, the Supreme Court has reposed the faith. We will see, we will examine. The Supreme Court has reposed the faith in the center to form a trust. What do you want to do that? No, see, we are not taking questions. We have just given, I will again address the media at 34 Ashoka Road. Dhawan sir, your thoughts. Dhawan sir, sir, just a small reaction. You fought brilliantly for the Muslim. सब ये सब सब बातें वहीं कहेंगे, हम यहाँ कुछ और नहीं। 34 अशोक रोड पे आइए, वहीं बैठते हैं। दीप्ति जी आपने बाइट सुनी? नहीं, एक मिनट दीप्ति जी, आपने बाइट सुनी, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगी? कुछ कमियां, कुछ फॉल्ट की बात? देखिए, पहले भी हम लोग जब ये डिबेट में स्टार्टिंग में हम लोग ये बात कर रहे थे कि कहीं जो भी फैसला होगा कुछ लोग खुश होंगे तो कहीं ना कहीं किसी को असंतोष होगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी बात देखने को मिल रही है कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी एंड निश्चित तौर पर वो अपील पे जाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। पहले अपील आने तो देते देखिए, न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो लोकतांत्रिक देश होने के नाते सबने उसको स्वीकार करना चाहिए और शांति और सद्भाव वही कायम रखना चाहिए, सभी लोग शांति और सद्भाव कायम रखें, यही मेरी प्रार्थना। तो नितिन गडकरी, ये रिएक्शंस तो ऐसे ही आएंगे और मिक्स रिएक्शन बात कह रहे थे ना कि मिश्रा जी की इस तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैंने कल बोला था ना कि असली चेहरे बेनकाब होंगे अब 2-4 दिन के बाद। हाँ, जो आप बोल रहे थे ना, लेकिन आप पता चलेगा अब कौन कितना शांतिपूर्ण है, जो लोग अपील कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आज तो सुप्रीम कोर्ट को हैट्स ऑफ पता चलेगा, आज सुप्रीम कोर्ट को हैट्स ऑफ, आज एक क्लैपिंग होनी चाहिए, आज उन 5 जनों के लिए इतने प्रेशर पर इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स पर इतने कम दिनों में न्याय व्यवस्था पे होनी चाहिए लगातार सुनवाई। यहाँ के परंपराओं के लिए हैट्स ऑफ है यहाँ पे। यहाँ आप जो है, आप उनकी प्रेमचंद की कहानी पढ़िए। चाहिए सभी लोग शांति और सद्भाव कायम रखे, यही मेरी प्रार्थना। चलिए, जॉब तो आज से खत्म होने वाली है ना,
तो कुछ तो चलते रहना चाहिए ताकि उनके काम चले। अब जनता भी समझने लगी है दीप्ति जी, और ये बात जजेस भी समझ रहे थे कि कुछ की तो दुकान बंद होगी, तो कुछ की दुकान जब बंद होगी आपके रोजी रोटी पर सवाल आ जाएगा, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है ना कि हम इससे पहले भी कहते हैं कोर्ट ने जो भी कहा है वो ठीक कहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है, वो कहा देती है कहा नहीं देती है, क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे आज भी करते हैं। हमें चाहते हैं ये मसला हिंदुस्तान का बहुत अहम था, वो आज खत्म हो गया। चलिए अब हटे कपड़ा कमाने के अलावा पंच परमेश्वर पांच जज थे, ये जज नहीं थे, ये वाकई में प्रेमचंद्र जी की जो कहानी थी पंच परमेश्वर वाली वो वही चीज है। और ये बड़ा देखिए एक ऐसा शूल जो लगातार चुभा था सैकड़ों सालों से 500 सालों से, आज वो निकल गया। लेकिन अब इसके पीछे अगर मंशा देखें, हम जब बात कर रहे हैं तो इसके पीछे अगर मंशा देखें सीजीआई के रुख पर, कई बार मैंने डिबेट्स में भी ये बात बोली है कि सीजीआई इस बार अडिग नजर आए, जैसे होता है ना कि हठ योग, कई बार आप एक बच्चा जब रहता है वो हठ करने लगता है, और इस बार सीजीआई ये मान के बैठे थे कि ये जो त्रिशूल की तरह चुभती जा रही है इसको कहीं ना कहीं ये कील निकाल फेंकेंगे। न्याय योग भी कह सकते हैं, लेकिन इस बार सीजीआई क्लियर थे, जितने यू-टर्न आए तो रात को 12 बजे भी राजा महाराजा आकर के बाहर न्याय करते हैं। नहीं, लेकिन कई बार न्याय पे उंगली उठती है, लेकिन इस बार देखिए 40 दिन में जो सुनवाई चली है, जो प्रोसेस अपनाया गया सीजीआई है। मिश्रा जी ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मंदिर सर्वर डाला था इसका डाल दिया, मुझे खास करके बुलाया गया मोहन भागवत जी के बयान पे बीजेपी के लुके जी मंदिर को रोक रहे, मैंने मंदिर को किसने रोक रखा? आज ना बात कीजिए, आज आज का दिन बहुत अच्छा है, हमें बहुत बड़ी खुशी है, ये कांटा निकल गया संजय गुप्ता जी, अब ये हमारे तलवों में जो कांटा था ना जनता के, वो कांटा निकल गया, नहीं लेना चाहिए ना, ये तो सर्वोच्च अदालत का फैसला है, सर्वमान्य होना चाहिए, अब क्रेडिट ना ले, ये भी आप बात कहेंगे? देखिए मैं तो कहना चाहता हूँ बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया हुआ, ये जनाब जो फैसला देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, और ये बात हमने पहले सभी लोगों ने कहा, और कांग्रेस पार्टी का तो विशेष तौर पे ये मानना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा वो इस देश को मान्य होगा, और तमाम उन लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि आज जो इतना बड़ा विवाद इस देश का ऐतिहासिक जो विवाद था, आज ऐतिहासिक फैसला आया, सबको खुले मन से बड़े मन से अच्छे मन से तारीफ करते हुए इसका स्वागत करना चाहिए। और मैं समझता हूँ एक जनाब सुनिए, आप सुन तो लीजिए एक बार जी, आप बोल रहे थे मैंने बीच में बोला नहीं, प्लीज सुनिए ना आप, हाँ। आप उत्तेजना में आ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर उत्तेजना की या किसी उस तरह की भाव की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि माहौल खराब होने की कोई इसमें अवसर आए, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और एक इम्तिहान का समय है। मैंने कहा था कि जो हमारी राष्ट्रीयता है, जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, आज उस संविधान की जो अच्छाइयाँ हैं, जो आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इसकी नज़ीर पेश करने का समय है और आज भाईचारे का समय है, आज हमें आगे बढ़ के खुले मन से जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है ये सभी के लिए सर्वमान्य होना चाहिए और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आज इस देश के सामने आया है। खुले हैं संजय जी, ये दो रास्ते जो खुले हैं, एक तरफ एक करतारपुर कॉरिडोर और एक तरफ राम मंदिर निर्माण का, ये दोनों रास्ता आज इस 9/11 को 9/11/2019 ये इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा कि भारत ने सौहार्द की एक मिसाल पेश की, एक नजीर पेश की, और हमने विश्व को एक मैसेज दिया कि ये देखो ये हम भारत हैं, जहां हम चार धर्म के लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, एक तरफ जहां हमारे सिख भाई जो हैं वो आज इसकी खुशी मना रहे हैं, 12 नवंबर को प्रकाश पर्व होना है, 550वां प्रकाश पर्व है, आज पहला जत्था रवाना हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मत्था टेकने के लिए पहुंचे और उद्घाटन करने वाले हैं कुछ ही देर में, और दूसरी तरफ ये देखिए कि आज राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, अब तो बिल्कुल डाउट हट जाता है, अब 9/11 की जो आशंका भी थी विष्णु विनोदम जी खत्म, जी बिल्कुल आशंका खत्म हो जाती है, उदय हुआ है सूर्य का कहीं ना कहीं सनातन धर्म में, उस राम में, उस अयोध्या में, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य अस्त भी हुआ है, वो भी अब इसके बाद अभी पता चलेगा कि यू कांट चैलेंज नेचर, यू कांट चैलेंज नेचर, सूर्योदय सूर्यास्त, ये दोनों ही
होना है, ये सच्चाई है, ये होकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो सूर्योदय हुआ है, सूर्यास्त भी हुआ है, हमें समझना होगा कि अगर सूर्यास्त हुआ है तो फिर से कल सूर्योदय आएगा, मतलब फिर से आपको एक दिन मौका मिल जाता है। हिंदू जो हमारी परंपरा है उसके अंदर उगते हुए सूरज की हमेशा हमने आराधना की है, और मैं समझता हूँ ऑप्टिमिस्टिक है, और हिंदू विचारधारा जो है की भी पूजा करते हैं, यामिनी देवी चंद्रमा की भी करते हैं, चंद्रमा मनसो जाता है। सुनिए एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके उसके अंदर एक अच्छी बात है, अच्छी ऑप्टिमिस्टिक बात है, और जो एक ये आज ये दंश था कि 9/11 पूरा विश्व जानता था कि 9/11 के नाम से कि क्या क्या इसमें गलत काम हुए थे, तो आज से दुनिया 9/11 को एक अच्छे रूप के अंदर भी जानेगी कि जब दो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ें हुई, हमारे करतारपुर कॉरिडोर का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, जो पूरे विश्व के अंदर जो हमारा सिख संप्रदाय है उसके लिए बहुत बड़ा विषय है, और मैं समझता हूँ जो हिंदू संप्रदाय है और जो हमारे भारतीय हैं उसमें केवल हिंदू संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मुस्लिम्स भी हैं, इसमें और जाति के लोग भी हैं, सभी के लिए एक बड़ा गर्व का विषय है कि जो उच्चतम न्यायालय ने जो इसके अंदर ऐतिहासिक फैसला दिया है आज, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, उसका सभी को सम्मान भी करना चाहिए, आदर भी करना चाहिए, और उसकी उसकी खुशी भी महसूस करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी शिवम त्यागी, जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, इसमें जिम्मेदारी सरकार की बढ़ जाती है, किस तरीके से 3 महीने में जो रिपोर्ट सौंपनी है, योजना बना के देनी है, और साथ ही साथ ख्याल भी रखना है माहौल ना बिगड़े। देखिए बिल्कुल, ख्याल के लिए तो मैं कहूंगा कि इस देश में हर कोई आज बधाई का पात्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मीडिया पैनलिस्ट हो, और पहली बार मैं कहूंगा जो आमतौर पर नहीं कहता, विपक्ष का भी इसमें अपना एक रोल है कि सबने कहा कि फैसला चाहे जो भी हो आप सबको शांति बनाए रखना है, मीडिया ने लगातार अपील की लोगों से, और आज उसका असर आप देख भी रहे, प्रधानमंत्री जी ने लगातार अपने ट्विटर के माध्यम से, और सबने कहा कि देखिए हर एक जाति में इनफ्रेंज एलिमेंट्स हैं, चाहे वो किधर भी हो, आप उनको पहचानिए, उनको जाति से मत जोड़िए, फैसला चाहे जो भी हो उसका स्वागत कीजिए।